बॉलीवुड में आज अक्षय कुमार एक बड़ा नाम है। बस वो किसी फिल्म के साथ जुड़ जाए, फिल्म का चलना लगभग तय माना जाता है। थिएटर्स पर अक्षय की ज्यादातर फिल्में अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अक्षय कुमार को बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। एक ऐसी ही फिल्म थी आमिर खान स्टारर, जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने दीपक तिजोरी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट हुए थे। इस बारे में अक्षय ने कहा, मैंने दीपक तिजोरी की भूमिका के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आया। मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए उन्होंने मुझे हटा दिया। फिल्म को मसूर खान ने बनाया था। उन्होंने अक्षय की इस बात पर जवाब दे दिया है। एक रिपोर्टर से बात करते हुए मसूर ने कहा, अक्षय ने जो जीता वही सिकंदर से बाहर किए जाने के बारे में जो कहा, उसने मुझे चौंका दिया। मुझे खेद है कि मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं उनके करियर से हैरान हूँ। जिस समय हमने उनका स्क्रीन टेस्ट किया, वह बहुत कड़क थे, उनका शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा था, बस इतना ही था, और इसी वजह से हमने उन्हें फिल्म में नहीं लिया। मसूर ने आगे कहा, जिस तरह से उन्होंने रिजेक्ट किए जाने की बात कही, वो मुझे बहुत ज़्यादा अपमानजनक और निंदनीय लगी है। रिजेक्ट होने के बाद अक्षय ने मुझे कॉल भी किया था, चलो एक साथ काम करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वो खराब एक्टर हैं। दीपक तिजोरी से पहले मशहूर खान ने मिलन सोमन को सेलेक्ट किया था। उनके बारे में बात करते हुए फिल्म मेकर ने कहा कि दीपक ने रोल के लिए टेस्ट दिया था। मैंने उनसे कहा था कि दीपक आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे खेद है कि मैं मिलन सोमन के साथ फिजिक के साथ जा रहा हूँ। अक्षय कुमार को मैंने कुछ नहीं कहा, शायद इस वजह से और इस चीज़ से वो परेशान हो गए। आखिरकार जब जो जीता वही सिकंदर सुपरहिट हो गई तो उन्हें झटका लगा होगा, मैं उन्हें दोष नहीं देना चाहता। बता दें कि दीपक तिजोरी को आखिरकार मशहूर खान ने बाद में ले लिया था, जबकि फिल्म करीब 70% से ज़्यादा मिलिंद के साथ शूट हुई थी। बाद में फिल्म पर कुछ दिनों के लिए काम बंद हो गया था। जब दोबारा काम शुरू हुआ तो आमिर ने दीपक का नाम सुझाया था और बाद में उन्हें फिल्म में ले लिया गया था। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट के जरिए बताएं, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।